मैं इस नतीजों को लेके शौकत जी आपको बधाई देता हूँ। साथ में घाटी में हमारा भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने मत रखा है, और ऐसे नहीं कि मेरा दोस्त एजाज हुसैन जो भारतीय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो मेरा दोस्त है, और मैं भी उसी के साथ काम भी कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से जो आह्वान किए थे और जो देशवासियों को बताए थे कि देश भर में जो पंचायत चुनाव हो रहा है वही पंचायत चुनाव कश्मीर में भी होगा और जम्मू में भी होगा, आज वो करके दिखाए और सारे देश ने जीता, गणतंत्र ने जीता। जो लोग बोल रहे थे कि हम तिरंगा तब तक नहीं पकड़ेंगे जब तक 370 हटाएंगे नहीं, देखिए कितने लोग आज वोट खोल के वोट दिए हैं। आज खुशी है, देश भर में आज एक जश्न है कि गणतंत्र को सम्मान दिया गया है, तिरंगा को सम्मान दिया है। तो जो लोग अलगाववादी थे, जो गद हुरियत को समर्थन करते थे, जो चाइना के समर्थन से 370 हटाने वाले थे, उनको एक सबक है। आज देश पूरे कश्मीर और जम्मू 280 से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जो जीता है, साथ में कुछ इंडिपेंडेंट भी भारतीय जनता पार्टी के सपक्ष में है वो भी जीते हैं। हमें पूरा धन्यवाद देता हूँ जो सिक्योरिटी फोर्स को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि हमारे भारतीय जो गणतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, जो तिरंगा जो फहराने वाले हैं उनके आधार पर जो पत्थर युवाओं को पत्थर पकड़ा रहते थे, बंदूक पकड़ाते थे, आज डेमोक्रेसी के कारण जम्मू कश्मीर लोगों ने करके दिखाया कि मोदी जी तो शौकत जी, 370 हटा जो आप हटाया जवाब वो रखिए, तीन सौ जो हटा जैसे बोल रहे हटाने थे का ठाकुर आज रंजीत मोदी दास जी बहुत अच्छा। बीजेपी युवा मोर्चा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कि ये जो जीत है ये गुपकार ग्रुप के जीत नहीं, ये जीत डेमोक्रेसी के जीत है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डेमोक्रेसी को लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों का फेथ है, रहेगा, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं, और डेमोक्रेसी पर भी पूरा यकीन है, फेथ है, सारी चीजें हैं। जहां तक मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो है वो लोगों ने साथ दिया है, अब ये देख लीजिए साथ किसका दिया है। मैंने पहले भी कहा है कि गुपकार अलायंस का जो है वो एजेंडा क्या है, उस एजेंडे के ऊपर लोगों ने वोट डाला है।